नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने की पहल, नियोजन प्रक्रिया पूरा करने की निर्वाचन आयोग से मांगी इजाजत। बिहार में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षा विभाग ने लंबित प्रक्रिया को पूरा करने की इजाजत मांगी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तक अनुमति नहीं मिली है, जिसके कारण शिक्षक नियोजन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अभी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है, निर्वाचन आयोग से इसकी मंजूरी मिलते ही नियोजन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी तरह के भ्रम का शिकार होने से बचे। प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के कारण फिलहाल नियोजन प्रक्रिया बाधित हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू है, निर्वाचन आयोग से इसकी इजाजत मिलते ही शिक्षकों के नियोजन को पूरा कर लिया जाएगा। देश में कोयला संकट जारी, 135 में से 18 थर्मल पावर प्लांटों में खत्म हुआ कोयला। कोयला संकट देश में अब भी जारी है। अभी 135 पावर प्लांट देश में ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली तैयार की जाती है। सरकारी आंकड़े की यदि बात की जाए तो 18 पावर प्लांटों में तो कोयला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 20 प्लांट ऐसे हैं जहां एक सप्ताह का ही स्टॉक बचा हुआ है। ये स्थिति तब है जब इस साल कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। फिर भी कोयला संकट क्यों है, यह समझ में परे है। देश में कोयला संकट पर पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कोयला संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसकी हकीकत यह है कि हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक मौजूद है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने यह भी कहा था कि दिल्ली में बिजली संकट ना अभी था और ना ही भविष्य में होगा, हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक है। कोयले की कमी की बातें पता नहीं क्यों फैलाई जा रही है, बेवजह इसे प्रचारित किया जा रहा है। दुर्गा पूजा में डीएम की बड़ी कार्रवाई, 45 अधिकारियों का वेतन रोका। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से सामने आ रही है, जहां डीएम सिरसत कपिल अशोक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 अधिकारियों का वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इन अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। दरअसल दुर्गा पूजा के मौके पर पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए जिलाधिकारी ने जिले भर में जगह जगह क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की थी, और साथ ही वहाँ अधिकारियों को भी तैनात किया गया था। जब डीएम ने दुर्गा पूजा प्रतिनियुक्ति स्थल पर मौजूद अधिकारियों की उपस्थिति का जायजा लिया तो ड्यूटी से करीब 45 अधिकारी गायब पाए गए, जिसके बाद डीएम सिरसत कपिल अशोक ने तुरंत इन 45 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक इनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर इनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। फिलहाल डीएम की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में दशहरा के बाद यू टर्न लेगा मौसम, तेज बारिश की आशंका, इन दो दिनों के लिए अलर्ट जारी। बिहार से मॉनसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर दशहरे के बाद मौसम बदलने की बात सामने आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में 16 और 17 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। 16 तारीख के पहले मौसम गर्म रहेगा, उसके बाद गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है, लेकिन अगले 48 घंटे तक गर्मी को लेकर भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से राहत नहीं होगी, बारिश भी ऐसी नहीं होगी जिससे गर्मी से राहत मिल जाए। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे से मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है और आने वाले 48 घंटे तक ऐसे ही बना रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में फिर बारिश होने के पीछे की वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम की मॉनसून वापसी रेखा सिल्वर कृष्णा नगर, बारीपदा, वाल्मीकि नगर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद एवं सिलवाड़ा से गुजर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना में अधिकांश हिस्सों एवं कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मॉनसून की वापसी हो जाएगी।
अब बिहार में घर बैठे मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र, अगले महीने से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर लगाना होता था, लेकिन अब घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। जी हाँ, अब चरित्र प्रमाण पत्र लेने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। अगले महीने से बिहार में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने को लेकर एडीजी आधुनिकीकरण डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने कहा है कि गृह विभाग पिछले 2.5 महीने से इसका ट्रायल कर रहा था, अब यह सारी प्रक्रिया जांच और परखी गई है। 1 नवंबर से हम पूरे राज्य में चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में यह लागू होगा और इसके तहत लोगों को ऑनलाइन तरीके से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे 50-50 बेड के रक्षा गृह, होम में रहने वाली लड़कियां की जाएंगी शिफ्ट। राज्य के सभी जिलों में लड़कियों के लिए 50 बेड का रक्षा गृह बनाया जाएगा। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर विभागीय मंत्री के स्तर से सहमति मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा एवं वहां से अनुमति मिलने के बाद दिसंबर से इसको लेकर काम शुरू हो जाएगा। विभाग इस संबंध में जिलों में जमीन चिन्हित करने के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है। पूर्व से पटना में एक रक्षा गृह का संचालन हो रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों से बातचीत कर उनसे यह जानने की कोशिश की कि होम में रहने में उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, वहीं इस परेशानी का समाधान भी जाना। जब लड़कियों ने अपनी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया तो उनकी बातों के आधार पर अधिकारियों ने ब्यौरा तैयार कर विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद सभी जिलों में रक्षा गृह शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली बिल समेत कई झंझटों से अब मिलेगी मुक्ति। बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली मीटर के कई झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। 2025 तक बिहार के उपभोक्ताओं का बिजली मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके बाद बिलिंग के लिए मैनुअल रीडिंग, बिल के वितरण और पैसे जमा करने के साथ ही बकाया भुगतान के बाद कनेक्शन कटने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बिहार में इस परियोजना के ऊपर करीब 11,100 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। सोमवार को बिहार सरकार ने 2 बिजली वितरण कंपनियों को 3,330 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 15% राशि केंद्र के तरफ से दी जानी है। बिजली संकट के बीच आरजेडी की तैयारी नहीं बुझेगी लालटेन, आगे जानिए पूरी खबर। देश अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। कोयले की कमी के कारण बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी हालत में बिहार के अंदर पावर कट नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इस दावे के बावजूद बिहार का शायद कोई ऐसा शहर होगा जहां हाल के दिनों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है। बिजली संकट के बीच खेल जारी है, लेकिन अब आरजेडी ने फैसला किया है कि लालटेन हमेशा जलती रहेगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रदेश कार्यालय में 6 टन की एक लालटेन लगाने की तैयारी हो रही है। यह लालटेन 2400 घंटे जलती रहेगी, इससे पार्टी कार्यालय और रोशन होगा और साथ ही लोगों को यह लालटेन एहसास भी दिलाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का वजूद बिहार की राजनीति में अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन रहा है। लालटेन को लेकर बिहार में अक्सर सियासत भी देखने को मिलती है। आरजेडी के विरोधी अक्सर इस बात को लेकर ताना मारते हैं कि बिहार में लालटेन का युग खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसी लालटेन के सहारे आरजेडी एक बार फिर से बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। बिहार बना आतंकियों का पनागा, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किशनगंज में बनवा लिया आधार कार्ड, दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद खुला राज। क्या बिहार आतंकियों के लिए ऐसी जगह बन गया है जहां उन्हें आराम से आसरा मिल जा रहा है? सोमवार की रात दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उससे ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी को आराम से बिहार में पनाह मिल गई है। उसने बिहार में ऐसे दस्तावेज भी बना लिए जिससे वह भारतीय नागरिक बन गया। दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया है, जिसके बाद
बिहार पुलिस सख्ते में है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार की रात लक्ष्मीनगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के नरोवाल का रहने वाला है। वह पिछले 10 सालों से भारत में रह रहा था। दिल्ली पुलिस अशरफ की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है और उससे आतंक के बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। बिहार के आईएएस अधिकारी ने उड़ा दी बीसीसीआई की नींद। रद्द हो रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, बड़ी मुश्किल से माने साहब तो बनी बात। बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने अपनी शादी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लेकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की नींद उड़ा दी थी। हालांकि आईएएस अधिकारी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि रांची में 2 साल बाद होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द होने जा रहा था। बड़े मान मनोबल के बाद साहब माने तो झारखंड से लेकर मुंबई तक बैठक क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। भारत न्यूजीलैंड के बीच रांची में होने जा रहा क्रिकेट मैच रद्द होते होते बच गया। दरअसल बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं मुकुल कुमार गुप्ता, फिलहाल जहानाबाद में उप विकास आयुक्त के पद पर तैनात हैं। उनकी शादी अगले महीने यानी कि नवंबर में हो रही है और शादी रांची में होनी है। अपनी शादी के लिए काफी पहले से तैयारी कर रहे मुकुल कुमार गुप्ता ने रांची के रेडिसन ब्लू होटल में अरसे पहले 19 और 20 नवंबर को होटल में 40 से 45 कमरों की बुकिंग करा रखी थी। शादी में आने वाले मेहमान इसी होटल में रुकने वाले थे। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 19 नवंबर को रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट मैच कराने का फैसला ले रखा था। ये मैच रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। कोरोना को देखते हुए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए विशेष नियम कायदा तय कर रखा है। बीसीसीआई खिलाड़ियों और दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ को बायो बबल में रखती है। ये ऐसा आरक्षित क्षेत्र होता है जहां बाहर से किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं होती है। खिलाड़ियों को भी इस बायो बबल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। बायो बबल से निकलकर खिलाड़ी सीधे ग्राउंड जाते हैं और वापस लौटकर वहीं आते हैं। रेडिसन ब्लू होटल में कमरे खाली नहीं थे। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई से किसी दूसरे होटल को चुनने का अनुरोध किया, लेकिन बीसीसीआई की टीम ने कहा कि रांची के किसी दूसरे होटल में 75 कमरों के साथ बायो बबल बनाना संभव नहीं है। ऐसे में या तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन रेडिसन ब्लू होटल में 75 कमरे बुक कराए, वरना रांची में होने वाले मैच रद्द कर दिया जाए। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।